अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख और रुपये के मूल्य में सुधार दर्ज होने के कारण सोना चांदी की कीमतों में आ रही गिरावट जारी है। वहीं सोना प्रति 10 ग्राम 46,350 रुपये और चांदी 1,400 रुपये गिरकर 66,900 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और गिरावट की उम्मीद बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि शादी सीजन के पहले सोने की कीमतें 42,000 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर आ सकती हैं और अभी सराफा की कीमतों में गिरावट है और इसे देखते हुए उपभोक्ताओं के पास खरीदारी का एक अच्छा मौका कहा जा सकता है। वहीं सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरक मालू ने कहा है कि इसका मुख्य कारण वैक्सीन का आना और केंद्रीय सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी और उन्होंने कहा है कि आगे भाव निश्चित तौर से बढ़ेगा, निवेशक और उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम जो कोरोना काल में 58,000 हो गए थे वो आज के तारीख में 46,600 रुपए हो गए हैं। इसका जो मुख्य कारण है वह वैक्सीन आ जाना है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो आयात शुल्क केंद्र सरकार ने कम की है वो है, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका ने की फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में जो करेक्शन किया है